तो जय गुरुवर जय इष्टवर जय सीतावर हृदेश जय जय भारत भारती सो जय जय भारत देश। आदरणीय उपस्थित श्रोता बंधु, माधव कैसेट कंपनी की तरफ से ये कार्यक्रम लेकर के चल रहे हैं कि ज्यादा लाड़ प्यार से बच्चे किस तरह से बिगड़ जाते हैं और उन्हें सुधारने के लिए फिर कौन सा तरीका अपनाया जाता है। कहने का मतलब है, इस कहानी में आप लोग देखेंगे कि एक लड़की जो अपने माँ बाप के सर पर इस तरह से सवार हो गई, जो माँ बाप दुखी हुए, लेकिन अंत में उसका रुआब किस तरह से नीचे हुआ, तो आए गौर करते हैं इस कहानी में। अरे किसी गांव का जिक्र है और सुना लगाए के ध्यान, रहते थे उस गांव में सीते एक किसान। उस गांव में किसान रहा करते थे, बड़ी पुरानी बात है। उनके घर में एक बिटिया थी, लेकिन बिटिया इतनी लड़ाती थी, मेरे भैया वो लड़की इतनी लड़ाती थी अरे घर में बिटिया एक थी, अब सुनो ध्यान दे भाई, उस किसान के घर में एक लड़की थी, बड़े लाड़ प्यार से उसे रखता था। एक घर में बिटिया एक थी, के सुनो ध्यान दे भाई, और यह लाड़ प्यार है मैया को, ये लाड़ प्यार मैया बाबूल को सिर पे लई चढ़ाई। लड़की को सर पे चढ़ा लिया, धीरे धीरे जब कुछ समझदार हुई, कुछ सियानी हुई, महाराज बिगड़ गई जवानी में सुकुमारी, और अपने मन की करे पिता और माता भाई लाचार, अब तो भैया बाबुल दुखी कहानी सुनो यारी, अब तो भैया बाबुल दुखी कहानी। मेरे भैया माँ बाप दुखी हो गए। अरे वो लड़की केवल अपने मन की करती है, न बाप की बात मानती है, न माँ की बात मानती है, जो कुछ करती है अपने मन का करती है। जब शादी के योग्य हुई तो माँ बाप ने ये कहा, बिटिया तुम्हारा विवाह करना होगा हमें। बोली शादी, अरे शादी फादी के चक्कर में धोरे ही पड़ेंगे। माँ बाप कहने लगे, बेटी लड़की तो पराया धन होती है, एक ना एक दिन उसे तो जाना ही पड़ता है। लेकिन उसने एक बात कही, देखो सुनो, शादी बिल्कुल नहीं करेंगे। तो घर वाले दुखी हो गए, माँ बाप परेशान हो गए। अरे घर वाले बिटिया
काऊ की बात ना माने। अरे शादी की अगर कोई टोला मोहल्ले को जगह कि लली अब ब्यालाए हो गई काहे को घर बांधने को परेशान कर रही हो तो दशकी बीस और सुनाए दे शादी। अरे आप किसी के बंधन में नहीं रह पाएंगे, किसी का हुक्म नहीं सह पाएंगे। पचासियों बातें करते अच्छा दुनिया में ऐसो है को जो हमसे ब्याह करके और हमें अपने कब्जा में रखे हम उन पे हुक्म करने वाले। अरे मैया बाबूला सोचा मैं अरे मेरे भैया जा लली को समझाई जी। माँ बाप दुखी हुए, एक दिन बिटिया को पास बैठा और एक बात कही लली अरे हम कहाँ तक तुम्हें देखें। अरे माँ बाप अगर कुआरी लड़की को देखते हैं उन्हें पाप लगता है अपराध लगता है, तुम तो पराया धन हो किसी न किसी के घर जाना पड़ेगा। चलो तुम अपने ही मन से बताओ तुम्हें कैसे घर में शादी करवे हैं, हमारी जैसी सामर्थ्य है हम उस हिसाब से तुम्हारा विवाह करेंगे लेकिन तुम बताओ। लड़की कहने लगी हम बताएं, अगर हमारे मन की बात करी हो तो सुनो हम किसी के बंधन में नहीं रहेंगे। और सुबह उठते ही सोनू सबसे पहले बाई पीटी जाके संग ब्याह हुई है, बिना मारे ना छोड़े अगर हमसे आधी बात कही हम काऊ के दाम में ना रहे। बाप ने कही ठीक है बिटिया हम जा रहे हैं। पिता चलो रिश्तेदारी में गए, एक द्वार पे पहुंचे, शादी की बात करी, लोग तैयार हो गए। कोई बात नहीं भैया शादी हम कर ली, बिटिया तुम्हारी हमारी दिखी भाई अच्छी लड़की नहीं है, चेहरा मोरा सुंदर हाथों ही बात हो। लेकिन बाप ने एक बात धीरे से और कही जगह सुनो नातेदारो, अरे द्वार पे पहुंच गए शादी की बात चलाई एक जन्म के द्वारे पहुंचे कही हमारी बिटिया शादी की योग्य है हम तुम्हारी लला के लिए ब्याह करो चाहते हैं। एक द्वार पे पहुंच गए शादी की बात चलाई धीरे से फिर बाबा बुलाने बिटिया की बात बताई। पिता कान लगो देखो भैया जो मांगोगे सो हम तो दिए, किसान जरूर है खेत बेच दिए लेकिन हमारी लली की शर्त जय है कि हमारी बिटिया से कोई कछु कहियो मती काऊ की दाब धोस बनाए रही है। और अगर तुम्हारे लड़का ने आधी बात कही तो मारवे को सीधी आ सकत फिर हमसे बात में रानो मन दियो कि हमने बताई ना। अब सोनू कोई भैया जब सुन ले के आता ही आता ना आदमी कोई मारेगी काहे को ब्याह करे। जब जाई और चल दीने के घर अपने को दिल में अति पछताए भैया थोड़ी देर पे गए पिता के आंसू भर आए, सॉरी थोड़ी दूर पे गए पिता के आंसू भर आए। अपनी लड़की के रिश्ता से हर जगह लाचार होकर के
जब घर की ओर बढ़ा है तो आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन कुदरत से एक भैया रास्ता में मिल गए, हाथ पाए ठीक ठाक रहे। सोनू तुम्हारे कैसे? पूछी तो कहीं चाचा काहे को रो रहे हो? कही लला रोए का रहे, हम रोए तो पे कर्म न को रहे, हमारे घर में एक बिटिया, हमारे घर में एक बिटिया, और बिटिया लला न होती तो ज्यादा अच्छी होती। बिटिया की शर्त अजय है कि हम ब्याह करिए तो कहू लड़का की दाब में ना रही, अगर हमसे आधी बात कही तो सवेरे उठाई तई घन लड़का ही को मारी। तो बू जो लड़का रहे सोनू, तो बाबू के आगे पीछे कोई ना रहे, अम्मा दद्दा मर गए रहे, अकेलो ही बेचारो हाथन ते बनाए खाए। बाने सोची जाते बढ़िया व्यवस्था बनी है कहू ना, जब कही ऐसो करो चाचा तुम कौन सी जाति बिरादरी के हो? अपनी जाति बताई लड़की के बाप ने, कही तो बन गई बात, जब बिरादरी के तुम हो तई बिरादरी के हमें, तुम ऐसो करो अपनी बिटिया को ब्याह हमसे करो, देखें हमें कैसे मान ले। जकी अच्छा, जकी लला देख लियो ब खुली काते है कि हम सवेरे उठते ही गंजूता लेके आदमी को मारेंगे। बोले तुम चिंता न करो, तुम केवल शादी करो, बात बाकी हम नहीं जानी। मेरे भैया बड़े मगन हुए पिता, शादी रोकी, और शादी रोकने के बाद जब बरात वालों दिन आओ बात है ना, अरे हंस कर कर दई सगाई पिता ने, बाप सोचन लगो आफत कट गई, अरे हंस के कर दई सगाई, और बेटी दुल्हन बन गई भाई। हंस बाबुल ने करी विदाई, और दो है दवा तू समझाई, लड़की के बाप ने बिटिया की विदा करी और लड़का को समझाया था, जो कही दमा दब तुम्हारे हाथ में लग रहा जो कछु है, जा तो इतनी उल्टी सीधी बातें करती कि हम मारेंगे। दमाद बोलो अब तुम जाके सामने हमसे आधी बात मत करना, तुम जाओ अब जिम्मेदारी हमारी है, विदा करवाई पुरानो जमानो रथगाड़ी से व्यवस्था रहे। सोनू चल दो गाड़ी में बैठाए जवान, अब जैसे ही द्वारे आए तो भगवान ही दया तो ना घरे कोई ऐसा ना तो जो बहू उतार ले तो आए सब अपनी खुद की व्यवस्था की अकेले ही आते द्वारे को बुकरा बंद हो रहा है बेचारो, एक दिन बरायत गई एक दिन भी लौटिक आए, दो दिन आपको भूख हो रहा है, सब उन्हें देखता ही खन बुकरा में आई पर और बहु रत्ता में बबहू तो बोलो कथा ही ना है। और जैसे ही बकरा दरवाजे पे मिमियानो बने आगे भाई पाए पकड़े धरती में बकरा दो कही हमें आवाज तो पसंद ही ना है, अरे बोली गो आवाज पसंद ना है हमें। भैया बकरा मत दो, किबार खोले, किबार जैसे ही खोले तो किबान से थोड़ी चर्र चर्र की आवाज तो आई जाते हुए, जो किबान में चर्र की आवाज आई कि साले तू आवाज नहीं कर रहा हो, दोनों की बात तोड़ डाले। भीतर गए आंगन में जवान भर रहो, अब भीतर घर में पहुंची घंटा दो घंटा आराम थे पर ही रही, बाकी बाद में दिमाग में एक बात आई, हाय भगवान हम तो जो सोचते कि हम जाते ही घन मार रही है, लेकिन जो आदमी तो बात कैसे करे जाने द्वार पे बुकरा फैले ही मार डारो, कहा कहें कैसे कहें। थोड़ी देर के बाद संजा होने लगी तो कहीं रोटी खरीबे फरी है, रोटी करबे पड़े तो पानी लान पड़े, अब पानी लेना हम जाए या इन्हें पठाए कहू ऐसो ना बहु हम चले गए इन्हें द्वार पे ही मारो तो अच्छी बात ना आज हुई आए। धीरज से कहीं बाहर दोनों हाथ जोड़े जा कहीं सुनता ना आए घर में पानी ना आए हैं, पानी ले आते एकदम सीधो ही उठो सोनू, बोलो ए आवाज तो पसंद ही ना बोली गई, भैया भजगे मने डंडा उठाओ जो कही आज हमारी गलती माफ करो, आज पहलो दिन आए हमें पता ही ना तुमसे कैसे बोलो जाइए, हमें माफ करते हो आज केवल हमें बचाओ, बाकी बात कबू गलती हो हमें ठोर मार डारियो। बोलो सुन तू आज पहले तय घर में आई है था से कछु कहले बच गई, हमसे बात करवे से पहले म्याऊ कहिए बाकी बात में कोई काम की गई है। बोली ठीक है चलो आओ बाहर। थोड़ी देर बाद आई द्वारे निकल जा कही म्याऊ पानी ना है घरे गऊ पानी भद्दो आए
बाके बाद में संजा खाना बन गया शिवम, अब खाना के लिए बुलाए जा कही म्याऊ खाना बन गया खाए ले आए। अब जो सवेरे हो तक पति को मारने की धमकी देती थी हर बात तक पहले म्याऊ कहे शेर को सवा शेर मिलेगा शिवम। बाके बाद में जब काफी दिन बीत गए महीना छह महीना के बाद, तो एक दिन अम्मा बाप ने सोची कि चलो बिटिया ही घरे घूम आए, क्यों बिन्ने ना याद लई पांच छह महीना तक जाओ लली घूम वही मारो जाए के। पति ने कही अगर हमसे बात करवे है तो पहले म्याऊ कहिए। अरे पहले म्याऊ बोले फिर पीछे से बताइए बातें, पति ने गई पहले म्याऊ गई है कहा शेर की तरह जपे मैके में कह रही थी जाते ही खन पति को मारेंगे ससुराल में आ तखन बिल्ली बन गई लला। ए पहले म्याऊ बोले फिर पीछे ते बात बतावे, सब नकसान करे नारी के ईश्वर ते डोरी लगावे। पिता ने सोची मन में अब काफी दिन हो गए चलो बिटिया के घर ही घूमे आए, अब जब लली के घर है पिता पहुंचे मेरे भैया उसके बाद में वो पिता जब उस लड़की के घर में आ गए। अरे लली के घर में बिटिया ने बात बताई, कोई और मिलो नहीं कुमार रे तुम जा से करी सगाई, लड़की कान लगी पिताजी दुनिया में तुम्हें कोई लड़का ना मिलो तुमने हमाओ ब्याह जाके संग में काय को करो हम मरे जाए रहे घर में। मेरे पिता दुखी हम रहे दिन और रात, और पहले में कर रहे फिर बात में कर रहे बात, जैसे डर रहे दिन करके मरे जाए रहे कोई बात हो तो पहले म्याऊ कहो वहां से बाकी बात में बात करो। लड़की को बापू परेशान हो लड़का ने जब बिटिया को तो लाइन पे लगाए दो बाकी ले हम कहा चीज है हम तो कुछ जानते उतानते ना, जो कही लली कहा है लला जो कही है कहा खेत में हल चल रहा हूं वहां है
कई बिटिया 8-9 बजे जा रहे, तुम ऐसो करो खाना दे दो, लाओ हम कलेऊ भज के दिया। अब ससुर जो थे वो कलेऊ लेके चले तो वह लड़की ने एक बात कही, देखो पिताजी तुम जाए तो रहे हो और लेकिन एक काम करियो, अगर तुमने जाए कि सीधे सीधे खेत में जो कह दी ले लला रोटी खा लो तो तुम्हें पेन ही तिमारी है। तासे एक काम करियो, खेत से बाहर खड़े हो के दूर से ही हाथ जोड़े के म्याऊं कह दियो, बाकी बाद में खाना की कहियो। बहु ऐसो ससुर जब खाना लेके चले, अरे खाना लेके चली दाए अरे मेरे भैया, कोई पहुंचे खेत पे आई दी, खाना लेके घर से ससुर चले। दमाद को आदर कर देखो, दमाद मन भर चलाए दे, बिटिया ने समझाए दो पहले याद रखियो, अरे एक खेत पहले रुके अरे मेरे दादा, कोई तैया बाज लगाई दी, सेवा एक खेत पहले ही रुके और हाथ जोड़े के खाना तो धट्टी में धत्ता, हाथ जोड़े के ठाड़े भाई जगह म्याऊ हम खाना ले आए खाओ आए। और जो लड़का ने आवाज सुनी, सोई कोई पेना फेंको भाई सेरा ने अरे मेरे भैया, बने छाती से नए तेला से। जैसे ही ससुर ने दूर से कही जगह म्याऊ खाना ले आए खाओ आए, वैसे ही लड़का ने पहना फेंक दो हंसन लगो जगह, अरे चाचा तुम काहे को ऐसी बात कह रहे, अरे जब मरज की दवाई तो तुम्हारी बिटिया के ले है, जो बार बार तुमसे जग कह रही थी के जात खनई ससुरारे में हम आदमी को मारेंगे, मारेगी बिल्ली बन के रहेगी। सोई ससुर ने दोनों हाथ जोड़े जगह लला तो मने बड़ो नीको करो जो हमारी बिटिया को सुधार दो, लेकिन तुम्हारे हाथ जो ने तुम्हारे पाए लागे जाकि अम्मा और घरे ऐसी ही है, कहो तो हम बाबू तुम्हारी जाए तुम बाबू सुधार दो। लड़का कान लगो चाचा ऐसी बातें कछनाएं, देखो याद रखो ये तो घड़ा कच्चा था जो हमने इसे दोबारा तैयार कर लिया, लेकिन आपके घर में जो अर्धांगिनी है वो पक चुका है और पके हुए घड़ा को छेड़ने से वो टूट जाता है ना कि उसमें सुधार आता है। कहने का मतलब यही है, अगर प्रयास किया जाए कोशिश की जाए तो बुरे से बुरे को भी अच्छा कर सकते हैं, बिगड़े से बिगड़े को भी बना सकते हैं। इसलिए अरे शिव मत दंगली नंगला भाऊ के ढोल कर रहे बजाई, सोनू भैया चिमटा पे रहे अपनी तान मिलाई, अरे माधव साउंड वाले के यादव रहे घड़ा बजाई, है सहयोग छोटे भैया को सुनो ध्यान दे भाई, अरे बड़े भ्रात सीटू माधव जी के सित रहे दरसाई, बड़े भ्रात सीटू माधव जी के सित रहे दरसाई, सुमित कुमार घनश्यामपुर बारे गाय के रहे सुनाई, और जितने भी हमारे माधव कैसेट के श्रोता हैं
उन सभी भाइयों से अनुरोध है कि आप लोग चैनल को आगे बढ़ाने में हम लोगों का सहयोग करें, और जो भी हमारा वीडियो पढ़ता है हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के आशीर्वाद के लिए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोगों की महान कृपा होगी। ए सभी श्रोता भाइयों को हमारे हैं आज समझाई, लाइक और कमेंट करो ये तुमको रहे समझाई। माधव कैसे खिरोड़ मैनपुरी अच्छा।